ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन सलाक्या चतुर्मिलिंतं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदह महिया ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरुवो श्री युत्पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजन सहित देवं श्री राधा कृष्ण पादां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी का तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम भगवद गीता का अध्याय नंबर 2 का 35वां श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। भयाद्राणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वांग महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य समझा रहे हैं, अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि छोड़ी है। इस दृष्टि में तुम्हें तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। इसमें भगवान अब इस अध्याय के का अंतिम कुछ श्लोक बाकी है। अब भगवान निर्णयात्मक बात अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत सा युद्ध जीते हो, अब बहुत महान महान योद्धा के साथ तुमने युद्ध किया है और तुम बहुत महान महान योद्धा के साथ युद्ध जीत कर तुमको बहुत दिया गया है और इस पृथ्वी पर जितने भी महान महान योद्धा हैं उन सर्टिफिकेट दिए हैं कि तुम उत्तम योद्धा हो और इसका सर्टिफिकेट जो तुमको मिला है वो सर्टिफिकेट तुम्हारे यश और सम्मान के पक्ष में है। तो और तुम युद्ध नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें भगवान कह रहे हैं तुम अगर ये कह रहे हो कि युद्ध नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो दुख होगा उन लोगों को जिसने तुमको बहुत से पुरस्कार से नवाजा है, अस्त्र से चाहे जैसे भी वरदान से चाहे जैसे भी बहुत तरीका से तुमको आशीर्वाद से तुमको उन लोगों ने नवाजा है, मैंने तुमको इज्जत प्रदान की है और लेकर से लैस तुम
अगर ये फाइनल परीक्षा पास नहीं करोगे तो वो सब सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। और जिन लोगों ने तुम्हें अशस्त्र दिया है, जिन लोगों ने घोषित किया है कि विश्व में सर्वोत्तम योद्धाओं में से तुम एक हो, तो उन लोगों के मंसूबा पड़ जाएगा। वो लोग समझेंगे कि तुम कायरता के लिए कायरता दिखा रहे हो। उन लोगों में ये भावना नहीं आएगी कि तुम नरसंहार से बचने के लिए युद्ध नहीं करने की बात कर रहे हो। वो लोग ये नहीं समझेंगे, वो लोग समझेंगे कि अर्जुन जो है कायर हो गया है और हम लोग जो इसको इतना इज्जत और सम्मान दिए हैं, जो ये बहुत बड़ा योद्धा है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। और इस तरह वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम अगर युद्ध भूमि छोड़ोगे तो उस समय के जो उस समय के तुम्हारे तुम्हारे विरुद्ध जो खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए, जैसे कर्ण हुआ, दुर्योधन हुए, तुम्हारे अपने घर में और बाहर में, समाज में, परिवार में, संसार में सम्मान नहीं होगा। तो वैसा जिंदगी, और तुम असम्मानित बन के तुम अगर जिंदा रहोगे तो वो मृत्यु से भी खराब है, उससे अच्छा है मर जाना। तो इसमें यही चीज समझाए हैं भगवान श्री कृष्ण, और कोशिश कर रहे हैं जो अर्जुन को युद्ध करे, इसके लिए वो तर्क दे रहे हैं। उसके बाद श्लोक है 36 नंबर श्लोक। ओ वाच्य वादांश्च बहुन्वयदिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्सत्व सामर्थ्यं ततो दुख तरंग नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रभुपाद समझा रहे हैं जो प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था, अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य हो रहा है अर्जुन के बात पर। भगवान श्री कृष्ण को तो शुरू में ही अर्जुन जब डिनाई कर गया कि जो हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण तो उसी समय आश्चर्यित हो गए थे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, यह आर्यु ये जो तुम्हारी मनसा है या तुम्हारे सोचने का जो ये तरीका है वो आर्यों को शोभा नहीं देता है। और अर्जुन का जो ये तथाकथित दया भाव है वो आर्यों के लिए और एक क्षत्रिय के लिए सही नहीं है। वही भगवान इनको कह रहे हैं जो अर्जुन तुम क्या समझते हो, तुम अगर अपने भाई के प्रति प्रेम रख के और युद्ध नहीं करोगे और अधर्मियों का नाश नहीं करोगे तो क्या वो तुमको इज्जत उपहास उड़ाएंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही दुर्योधन कर्ण सब जो है उस आज युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे कायरता का उपहास उड़ाएंगे और वो लोग बहुत खराब खराब शब्द तुम्हारे अगेंस्ट में यूज करेंगे और वो बोलेंगे तुम डरपोक था, कायर था। और तुम एक बार तो झेल ही चुके हो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो लोग किस किस तरह की बातें का उपहास, तुम्हारी इज्जत, तुम लोगों की इज्जत का किस तरह से उपहास उड़ा रहे थे वो लोग, तो तुम एक बार देख चुके हो। और उसी कटु वचनों और उपहास वाले वाक्यों को सुनकर तुम लोगों ने उस समय बहुत बड़ा बड़ा प्रण किया था और बहुत बड़ा बड़ा
निर्णय लिया था जो हम इससे युद्ध करेंगे, इसका बदला लेंगे, धर्म के सब है उसको हम सबक सिखाएंगे, वो सब तुम्हारा कहाँ गया? अब सोचो वो किस तरह का किस किन किन बात तरह के शब्दों का वान तुम पर छोड़ेंगे और तुमको वो सारा सहन करना पड़ेगा। तुम्हारा तुम्हारे जो बड़े भाई भैया हैं भीम युधिष्ठिर, ये लोग जो सोच रहे हैं जो हमको युद्ध करना है और धर्म की रक्षा के लिए और भगवान श्री कृष्ण की मंस के आज्ञा का पालन करना है, और तुम ये नहीं करोगे तो उन लोगों की नजर से भी तुम गिर जाओ, तुम अपने बड़े भाइयों के भी नजर से गिरोगे और तुम्हारा दुश्मन जो है तुम पर बहुत व्यंग करेंगे, बहुत खराब खराब व्यंग करेंगे। एक बार तो तुम उसको झेल चुके हो, अब उसको भर जिंदगी तुमको झेलना पड़ेगा। उसके बाद 37 नंबर श्लोक है, हतो वा प्रापस्यसी स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतश्चय। उसका अर्थ है, हे कुंत्री पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अगर अर्जुन युद्ध करोगे तो अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग लोक तुम्हारा निश्चय है, जो तुम धर्म के पक्ष में लड़ रहे हो तो स्वर्ग लोक तुम जाओगे, और अगर मारे नहीं भी जाओगे तो तुम्हारी अगर विजय होगी तो तुम पृथ्वी पर राज करोगे और सम्मानित जिंदगी जियोगे, सारा संसार तुमको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, एक एक जनता तुमको सम्मान की दृष्टि से देखा, तुम्हारी इज्जत कर, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे तुमको इज्जत करेंगे और सारा संसार तुमको इज्जत करेगा। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो क्षत्रिय होता है, जो आर्य है, वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय का काम है, वो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, चाहे किसी भी तरह का में लड़ना है तो हमको युद्ध करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन के युद्ध से संबंधित बात के साथ साथ हम लोगों को भी भगवान प्रेरित करते हैं, जो हम लोग को भी अपने जीवन में हमेशा युद्ध करते रहना पड़ता है। जैसे कोई भी आदमी, कोई जरूरी नहीं है युद्ध भूमि में अस्त्र, ऐसा नहीं है, हर मनुष्य जो है अपने हृदय में अपने मन में उसको हमेशा युद्ध चलते रहता है, अच्छा विचार खराब विचार का संघर्ष हर मनुष्य में होते रहता है। हर मनुष्य को जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो समस्याएं आने लगती है उसके जीवन में, और उसको हमेशा युद्ध करना पड़ता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक समस्या जब वो सॉल्व करता है तो देखता है कि दूसरा समस्या आ गया, फिर तीसरा समस्या आ गया, फिर वो समस्या का सॉल्व किया कि कुछ दिन में फिर चौथा समस्या आ गया। तो गौर से देखा जाए तो मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा समस्या ही समस्या आते रहेगा, हमेशा उसको युद्ध करना पड़ेगा। ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में भी उसको दिन भर काम करना है, उस पर से अगर उसका बॉस उससे खुश नहीं होता है, अच्छा व्यवहार वाला अच्छा विचार का आदमी नहीं है, अगर उसका बॉस खराब विचार का आदमी है, किसी प्रिंसिपल को मानने वाले हैं और सारा ऑफिस का माहौल है जो उस प्रिंसिपल के विरुद्ध चलने वाला है, तो आप अपने विचारों से और दूसरे के विचारों में आपको हमेशा युद्ध करते ही रहना, आपको हमेशा युद्ध करना है, ये करें कि वो करें, ये ठीक है कि वो ठीक है, इसका युद्ध हमेशा चलते रहता है। आपके परिवार में आपके सदस्य जो है, आपका बाल बच्चा जब आपका बात नहीं मानता है बड़ा होकर, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, आपके परिवार के और सदस्य लोग जो हैं
उनसे आपका विचार मतांतर होता है, तभी आपको युद्ध करना है। और जीवन का हर पल में कोई अगर मान लीजिए बीमार है तो उसको जीवन जीने का दवाई खाता है, डॉक्टर दिखाता है, खर्च करता है, उसको अपने जीवन के लिए युद्ध करना है। तो युद्ध हमेशा मनुष्य को करना पड़ता है, हमेशा जब तक वो जिंदा रहेगा उसको युद्ध करना है इस पृथ्वी पर। इससे ये पता हे जीव, तुम इस धरा धरती पर अगर आते हो, पैदा लेते हो किसी भी योनि में, तो तुमको हमेशा युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप मनुष्य योनि में हैं तो हमेशा आपको युद्ध करना है, हमेशा संघर्ष करना है। आज जीवन जीने के लिए, कल पेट के लिए, परसों कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई परीक्षा पास करने के लिए, कोई अच्छा रिजल्ट के लिए, कोई नौकरी में तरक्की के लिए युद्ध करता है। जिसको पैसा रुपया है उसको अच्छा मकान, युद्ध इस तरह से है जो ये बनाए कि वो बनाए, इतना पैसा है, इतना पैसा के हिसाब से कौन मटेरियल लगाएं जो हमका मेरा इज्जत बढ़ेगा, लोग समझेगा कि हाँ ये बहुत शान शौकत वाला आदमी है और पैसा इतना ही है। वो उस है कि जो कैसे हूँ कर्जा उर्जा लेकर, लेकिन एकदम ऐसा बनाई जो पड़ोसी से भी अच्छा है। जनरली मनुष्य का ये रहता है प्रवृत्ति जो हम अच्छा है कि नहीं उसे मतलब नहीं है, हमारा आस पड़ोस या हमारा दियाद गोतिया जो है उससे हमको अच्छा होना है। अब उसका आप, अब वो तो कह के चले गई, और पत्नी लोग जो है हमेशा जिद करेगी यही करना है, बाल बच्चा को सिखा देगी जो यही करना है, और आपका बाल बच्चा भी पत्नी का साथ देगा, हाँ पापा सही कीजिए, और आप समझ रहे हैं कि फंड कितना है आपको, अब क्या करना है, इतना फंड कहाँ से लाना है। तो आपको मकान बन गया उसका टैक्स, होल्डिंग टैक्स के लिए युद्ध करना है, उसको पोतैया करना है उसके लिए युद्ध करना है, कैसे उसको सजाएं, कैसा पेंट करें, उसके बाद अगर भाड़ा लगाएं तो उसके लिए युद्ध करना है, जो भाड़ेदार अच्छा है कि खराब है, अच्छा कैसा भाड़ेदार को दें जो हमको झगड़ा लड़ाई ज्यादा नहीं हो। तो मनुष्य को हरदम जिंदगी में युद्ध करना, तो युद्ध करना तो है ही, युद्ध करते करते मनुष्य मर जाता है। तो अगर आप सही दिशा में युद्ध कर रहे हैं, धर्म के पक्ष के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो आप मरिएगा तो आप स्वर्गलोक कम से कम आपको मिलेगा ही, और नहीं युद्ध कीजिएगा तो आपका दुर्गंजन है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका दियाद गुतिया, अगल बगल पास पड़ोस सब आपको निकम्मा कहेगा, सब कहेगा कोनो काम का आदमी नहीं है ये। तो उसको उसके व्यंग मानों को भी सहना है आपको। तो या तो ये काम कीजिए और नहीं तो ये सही है। तो युद्ध तो हमेशा मनुष्य को लगा रहता है। तो भगवान का कहना है, जो इसके माध्यम से हमको ये समझना है, जो हमको अगर युद्ध से बचना है तो हमको क्या करना है? हमको अगर युद्ध से बचना है तो हमको ये सोचना है जो हम अपना इस जिस जीवन में क्या ऐसा करें जो आगे का अगला जीवन जो है उसमें हमको युद्ध नहीं करना पड़े। तो उसके लिए है हमको ऐसा काम इस जीवन में करना है जो अगला जन्म या तो जन्म ही नहीं लें, या जन्म लें तो अभी जो जिस परिस्थिति में हम, जिस परिवार के स्टेटस में हैं हम, या जिस तरह के स्टेटस में अभी हम जी रहे हैं, उससे अच्छा स्टेटस में हम अगला जन्म लें, अगला जन्म में हमको इससे अच्छा स्टेटस मिले। तो ऐसा हमको करना है जो अगला जन्म मेरा इस जन्म से अच्छा हो, या अगला जन्म ही नहीं हो, इसके लिए हमको काम करना है। इसके लिए काम करने के लिए हमको आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमको स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा, जो ब्रह्म जिज्ञासा करना पड़ेगा। हम ब्रह्म जिज्ञासा में है जो हमको अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए क्या करना। तो हमारी आत्मा को हमको अपर लेवल में ले जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा को हम संतुष्ट करेंगे तो हमारी आत्मा भगवान के और हम अपने इस शरीर से ऐसा काम करें जो हमारी आत्मा भगवान के कितना निकट जल्दी से जल्दी चले जाए, तो ये हमारा सबसे अच्छा काम होगा इस जन्म में। जो आत्मा का उत्थान हम करेंगे तो आत्मा का उत्थान से ही हमारा अगला जन्म सुधरेगा।
या अगला जन्म नहीं भी होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो हमको आत्मा के लेवल पर आप सोचना है, हमको शारीरिक लेवल पर नहीं सोचना है, हमको आत्मा के लेवल पर सोचना है, जो आत्मा का उत्थान हम कैसे करें। तो आत्मा का उत्थान करने के लिए सबसे पहला बात है जो हमको इस शरीर से ऐसा काम करना है जिससे भगवान खुश हो, मतलब भगवान की सेवा करना है। और भगवान की सेवा करने के लिए हमको रोज रोज भगवान को याद करना है और हमको भगवान से भिक्षा मांगना है, हे भगवान आप हमको अपने शरण में लीजिए, हमको इस शरीर में ऐसा व्यवस्था लगाइए जो हम ये शरीर से अधिक आपकी सेवा कर सकें। तो अधिक से अधिक भगवान का सेवा करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो हम 16 माला चैंटिंग करना है, और सुबह में उठ के अगर 16 माला आप चैंटिंग करते हैं डेली का डेली, तो भगवान की सेवा ये सब सर्वोत्तम सेवा में से है। उसके बाद दिन भर भी हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। जब भी आप भगवान को जाते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, तो आप अगर आपको ये ध्यान में रहेगा जो भगवान हमारी सारी क्रियाकलापों को देख रहे हैं, तो आप गलत काम करने से बचिएगा। आपको ये एहसास होगा जो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं और भगवान हमारी सारी कार्यों को, हमारे सारे मनोदशा को जान रहे हैं, तो आप हमेशा सत्तो गुण में रहिएगा या अच्छा सा अच्छा अपने इस शरीर से अच्छा सा अच्छा काम करिएगा जो जो कि धर्म के पक्ष में रहेगा। तो हमको ऐसा कर, इसमें कौन सा ऐसा काम है, इसमें ऐसा ही काम है जो हमको ऐसा बात विचार और व्यवहार करना है अपनी जिंदगी में, जिससे कि जो समाज परिवार के जो लोग हैं वो जो अच्छे प्रकृति के लोग हैं उनको हम किसी तरह से उनको कष्ट नहीं पहुंचाएं, उनको दुखी नहीं करें, अपने व्यवहार से, अपने बात से, अपने चाल चलन से उनको हम दुखी नहीं करें, किसी का हम कोई कुछ बिगाड़े नहीं। हमेशा कोशिश करें कि लोग हमसे नहीं कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं तो हमसे नाराज भी नहीं हो, हमारा ऐसा जीवन में कोई इस शरीर से कोई ऐसी क्रिया हमसे नहीं हो जो लोग नाराज हो जाएं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं तो इससे हमको क्या होगा, इस तरह का हम जीवन यापन शुरू कर देंगे करना, तो भगवान हमारी आत्मा खुश होगी और हम भगवान के सेवा में रहेंगे तो हमारी आत्मा भगवान की सेवा में लगी रहेगी और भगवान खुश होंगे तो हमारे मृत्योपरांत भगवान हमको अपना धाम बुला सकते हैं। या हम सतोगुण में अगर रहते हैं तो अगला जन्म में हमको इससे अच्छा स्टेटस का परिवार मिलेगा या ऐसा जिंदगी मिलेगा जो इससे अच्छा हो। तो ये तो समाज में आप देखिए कि जो अच्छे लोग सब हैं उसके लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सो गुड है, लेकिन देखिएगा कि जो आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी कुछ लोग समाज के जो हैं 10% वो आपके विरुद्ध में हमेशा रहेंगे। आप अच्छा कीजिएगा तब भी आपका अगेंस्ट और खराब कीजिएगा तब भी आपका अगेंस्ट, तो वो और हमेशा वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, हमेशा आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, हमेशा आप आपका क्षति आपके आपका अपने आपके परिवार की क्षति करना करने का कोशिश करेंगे। आ जाती है युद्ध, जैसे अर्जुन को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तो समाज के धर्म या भगवान का बताया हुआ बात जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए वहां अस्त्र से युद्ध करना पड़ रहा है, उसी तरह हमको अपने जिंदगी में देखिएगा जो हमको अस्त्र से युद्ध नहीं करना पड़ रहा है लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी लोग हमारे हमारे अगेंस्ट में है, तो ज्यादा से ज्यादा मौका ये सोचना चाहिए हमको कि उन लोग से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उनसे हम दूर दूर ही रहना, जीवन काट ही रहना। लेकिन अगर कोई आपके आपके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा खराब कर रहा है तो फिर उसके विरुद्ध आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लड़ने के लिए कैसे तैयार होना पड़ेगा, तो जैसे आपका मान लीजिए घर का क्षति पहुंचा रहा है, आपके परिवार के सदस्यों का कोई क्षति कर रहा है तो हम उसको प्रशासन में शिकायत करेंगे उसके अगेंस्ट में, और प्रशासन में शिकायत करेंगे तो जो हम हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है तो ये भी एक तरह का युद्ध हुआ। और जैसे हमको मान लीजिए
कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, और ये भी एक तरह का युद्ध हुआ। तो हम अपने धर्म, अपने स्वधर्म, परिवार का धर्म या समाज के धर्म के लिए यहाँ हम लड़ रहे हैं, तो हमको इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जो चलो भाई मेरा बच्चा को कोई मार दिया या कुछ कर दिया तो हमको हम भी उसको मार देंगे तो दोनों में क्या अंतर है, वो मेरा बच्चा को मार दिया तो हम उसको छोड़ देंगे, उस पर केस नहीं करेंगे, उसको जेल नहीं भिजवाएंगे, इससे क्या फायदा होगा, वो जेल चला ही जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, मेरा बच्चा थोड़े आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे कि अर्जुन अभी सोच रहा है, ये सोचना एकदम गलत है। अगर आपके साथ खराब काम किया है तो जेल भिजवाना उसका आपका धर्म है, क्योंकि एक बार उसको दंड नहीं मिलेगा तो वो बार बार दूसरों के साथ भी यही काम करेगा और उसका मन बढ़ते चला जाएगा और समाज में कुरीति या गंदगी वो फैलाते चला जाएगा। तो एक बार ठीक है, आप उसको अगर दंड मिलता है तो उससे आपके बच्चों, आपका बच्चा नहीं आ पाता है आपके पास क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन कम से कम समाज की तो भलाई होगी, ये भी धर्म है। समाज के पक्ष में अगर कोई हम त्याग करते हैं या कुछ करते हैं जिससे समाज का आम आदमी, अधिकांश आदमी खुश होता है, तो वो भी सबसे बड़ा धर्म और वो भी धर्म युद्ध कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमको उस समय युद्ध करना है, ये नहीं सोचना है तो कौन क्या करते हैं ये सब फेरा में पड़ेगा, हमारी बहू बेटी जा रही है, हमारी पत्नी महल्ला से निकलता है तो लोग उसके प्रति उसका अपमान करता है, उससे बचाने के लिए हमको कंप्लेन कर देंगे, तब हम मान लीजिए वो बहुत स्ट्रांग है तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ो क्या होगा, तो ये करने से कोई आपका रुक जाएगा थोड़े, तो आपका इस समस्या समाधान नहीं होना और वो ज्यादा खराबी काम करेगा और दूसरों के साथ भी करेगा, उसका मन बढ़ेगा। तो वहां युद्ध करने की आवश्यकता है, हमको जहां तक होगा हम कंप्लेन करेंगे प्रशासन से, हम उसका क्या कहते हैं मदद लेंगे और हम जहां तक होगा उसको दंड दिलवाने का कोशिश करेंगे, कोशिश हमको करना है। लेकिन अब इसके पीछे हमको नहीं भागना है जब हम कोशिश करेंगे तो उसको दंड मिलिए जाए, हम पूरा मेहनत से अपना काम करेंगे, फल फिर छोड़ देना है भगवान श्री कृष्ण। अब ये नहीं कि हम कंप्लेन किए और क्या कहते हैं उस पर कोई असर नहीं हुआ, फिर वो बचा हुआ है तब हम कुंठाग्रस्त हो गए और हम धीरे धीरे अपना पश्चाताप में या अपने को बहुत दीनहीन समझ के अपना जीवन खराब कर रहे हैं, नहीं। आपको कंप्लेन करना है, नहीं सुनवाई फिर कंप्लेन करना, नहीं सुनवाई फिर कंप्लेन करना है, सुनवाई जब कब तक नहीं होगा, या करते करते हम मर जाएंगे तो ठीक है, हम अपना तो काम करते करते मरे, ठीक, हमको न्याय नहीं मिला, हम तो संघर्ष करते करते हम मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन संघर्ष तो किए, यही तो भगवान कहते हैं तुमको संघर्ष करना है, अपना कर्तव्य करना है, फल फिर हम पर छोड़ दो, क्या फल होगा उसकी चिंता नहीं करो, तुमको अपना काम करना है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, जो जीव को पृथ्वी पर अगर है जीव, उसको हमेशा संघर्ष और युद्ध करने की अवस्था उसको हमेशा बनी रहेगी। तो आप भर जिंदगी युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, नहीं युद्ध कीजिएगा तो आपको सम्मान नहीं, सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाइएगा, और आपका वैसे भी नहीं युद्ध कीजिएगा तो नरक में जाइएगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा और आप मरिएगा तब भी नरके में जाइए, दोनों तरफ से घाटा। लेकिन अगर आप युद्ध करते हैं तो सम्मान मिलेगा, अगर मर जाते हैं तो स्वर्गलोक मिलेगा, तो युद्ध तो करना ही है। अगर आप युद्ध कर आप सोचते हैं कि हमको पृथ्वी पर युद्ध करना है, तो आपको ये सोचना है जो हम पृथ्वी पर नहीं आए, यही वह आत्म साक्षात्कार। तो ठीक है, इस जन्म में तो हम युद्ध कर लेते हैं लेकिन फिर अगला जन्म में हमको नहीं आना है, ये आत्म साक्षात्कार वाला बात हो गया। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमको सबसे पहले आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा, और आत्मा का काम है सेवा करना, और किसकी सेवा करना, तो भगवान की सेवा करना। तो जब आप भगवान की सेवा करने लगिएगा तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा और मृत्यु उपरांत आपको या तो स्वर्ग लोक मिलेगा या गोलोक धाम जाइएगा या अगला जन्म इससे अच्छा पोजीशन में आप रहिएगा। इसमें ये तीनों श्लोक में हम यही समझ रहे हैं, और इसके लिए क्षमा प्रार्थी, जिसमें और बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन हम अभी नहीं बोल पा रहे हैं, और जो कोई त्रुटि है उसको माफ कीजिएगा, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने बहुत समझे, अच्छा से समझाया प्रभु जी कि कैसे हम लोग को अपना, हम लोग का लड़ाई, हम लोग का जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हम लोग का धर्म है, हम लोग को जो दिया गया है, चाहे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करना हो, जॉब लाइफ में जॉब करना हो, चाहे जो भी, वही हम लोग का असली फाइट है। उसको हम लोग छोड़ना, हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए, हम लोग करना चाहिए। बहुत अच्छा से आपने समझाया। टाइम दीजिए, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, डाउट याद आ गया मेरा। वो इसमें ये लास्ट श्लोक का जो आप बताया है, ये आपको दिख रहा है, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, ये मतलब आउट ऑफ लॉजिक लग रहा है कि कैसे कोई युद्ध में मर जाएगा तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा, और मतलब स्वर्ग करने के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए एटलीस्ट, तो ये तो मतलब ऊपर से जीता नहीं, हार गया, तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा, मतलब ये मतलब फ्यूज मतलब लग रहा है कैसा, मतलब इस पे कुछ इसमें ये है, इसमें ये देखना है जो हम युद्ध जो कर रहे हैं वो युद्ध का दृष्टिकोण देखना है, तो हम किस बात के लिए युद्ध कर रहे हैं। हम अगर गलत काम सब के, हम अपने गलत इच्छाओं के संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहे हैं, तब हम युद्ध में मारे जाएंगे तब भी नर्क में जाएंगे, और नहीं मारे जाएंगे तब भले जीत गए तो ठीक है, थोड़ा दिन राज करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा द्वारा पाप ही पाप है, कोई ना कोई हमको फिर सजा देगा इस पृथ्वी पर। लेकिन अगर हम युद्ध धर्म के लिए कर रहे हैं, और वो भी भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं, अर्जुन के जो दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके रिलेटिव हैं भगवान श्री कृष्ण, और सबसे बड़ी बात है कि अब उनके वो गुरु हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण, और ये एकदम सर्वमान सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण गलत आदमी तो नहीं थे, हमेशा चाहे शांति दूत बन के गए जो युद्ध नहीं हो, हमेशा धर्म की, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धरती पर आए तो हमेशा धर्म की रक्षा ही, उनके बचपन से लेके छह दिन के जब थे तब से लेके पूतना का वध से लेके और कंस को मारे, उनका बाल लीला में भी खाली धर्म के पक्ष में ही उलर रहे थे, और उसके बाद भी कितनी लड़ाई लड़े, मधुसूदन कहलाए, केशव कहलाए, और बहुत बड़ा बड़ा अधर्मियों को उन्होंने मारा, शिशुपाल जैसे अधर्मी को मारा, कंस को मारा, तो वो आदमी आज इस महाभारत में तो नहीं देंगे, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड है जो धर्म का ही स्थापना कर रहे हैं वो। तो जब हम अर्जुन, ये अर्जुन बुर्बक आदमी तो नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो जब अर्जुन ये देख रहा है कि ये आदमी हमेशा धर्म की बात कर रहा है और धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा युद्ध करते आया है, तो ये आदमी आज जो हमको बोल रहा है युद्ध करना है, तो वो धर्म के लिए ही युद्ध करना कह रहा है, तो तब हो गया बात सिद्ध हो गया। जो भगवान जब कह रहे हैं युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब हम धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, और धर्म के पक्ष में युद्ध करते करते अगर हम मारे जाते हैं तो हमको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा मिनिमम, मैक्सिमम तो वो लोग वृंदावन धाम भी जा सकते हैं, और नहीं तो राज करिए। ठीक उसी तरह जैसे सैनिक सबको कहा जाता है लड़ो, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ अटैक करो या युद्ध करना है, तो जो सेना का आदमी सब है, ऑफिसर हो या
नन ऑफिसर है, उसको थोड़े दुश्मनी है दूसरे देश से, पर्सनल दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका धर्म है अपने देश के प्रमुख का बात को मानना, यही उसका धर्म और कुछ धर्म नहीं। तो वो धर्म जब करता है उससे बहुत आदमी को मारता है, हिंसा करता है, लेकिन वो चूंकि अपना धर्म निभा रहा है तो उसको स्वर्गलोक प्राप्त होगा। यहाँ पर भी अगर बच जाता है तो बहुत सा उसको प्रमोशन होगा, बहुत सा मॉनिटरी उसको बेनिफिट मिलेगा और उसको इज्जत मिलेगा समाज में, अपने देश में। अगर मरता है तब भी वो स्वर्ग लोक जाएगा और उसके परिवार को बहुत तरह का बेनिफिट भगवान सरकार देती है, तो दोनों तरह से उसको फायदा है। तो वो धर्म के लिए युद्ध किया है, उसी तरह अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहा है, तो मिनिमम स्वर्ग लोक तो जाएगा ही अगर मरेगा तो। अपना सेल्फ कोई खराब काम साधने के लिए थोड़े युद्ध कर रहा है, जो वो युद्ध किया तो उसको स्वर्ग कहे होगा, ऐसा बात थोड़े है। वो तो धर्म के लिए कर रहा है, वो भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके ऑर्डर पर युद्ध करेगा। जैसा आपके एग्जांपल से हमको थोड़ा क्लियर हुआ कि जैसे आप एग्जांपल दिए मिलिट्री वाला अगर अच्छा से सेवा करता है तो स्वर्ग जाएगा, इसको इस तरह से अगर समझे, मतलब आप बोलते बोलते मतलब वैसा ही समझा रहे थे, वो हमको मतलब क्लिक कर गया कि जैसे अगर हार भी गया, मतलब जैसे मर भी गया, जैसे सेना वाला मर जाता है कभी, फिर भी तो उसको परमवीर चक्र देता है, मतलब या कुछ ऐसा चक्र है मेडल या कुछ ऐसा घोषणा करता है कि आदमी इतना हम लोग के लिए सेवा किए हैं, पूरा दुनिया उसका गुण गाता है। जैसे ताज होटल में भी कोई मारा गया था पर उसके लिए सब देश वाला सब ताली बजाया था, मतलब ऐसा सब तो देखने में लग रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक ही इज गोइंग मतलब स्वर्ग जा रहा है वहां, मतलब वैसा टाइप का ही उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आप समझाए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तो एक बार आप थोड़ा क्या बोलते हैं रमेश प्रभु जी, एक बार माता जी से मतलब प्रभु जी की गाइडेंस में माता जी से एक बार डिस्कशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन से क्लास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक बार प्रभु जी से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो माता जी तो प्रियंका माता जी थी जो परसों से हम देंगे, परसों बोली थी जो हम परसों माने आज के बाद कल से हम कुछ लेक्चर देंगे, ऐसा बोली थी, तो वो अभी है क्या इस मीटिंग में? हाँ, देखने से तो लग रहा है कि हाँ माता जी हैं, तो एक बार प्रभु जी से अलग से मतलब जैसे कॉल पे डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग क्लास के बारे में। हाँ तो प्रभु हरे कृष्णा, आप पूछिए क्या पूछना है। प्रभुपाद की जय जय। अरे गलती चलती।